प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश का हरदा जिला देश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला जिला बनेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 28 फरवरी तक जिले के प्रत्येक ग्रामवासी को उनके स्वामित्व की जमीन के दस्तावेज मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अप्रैल माह में की थी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसे ग्रामीण भारत की आजादी का दिन बताते हुए अपने गृह जिले हरदा को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करने की पहल की। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि फरवरी माह के अंत तक हरदा जिले में सभी ग्रामों के रहवासियों को उनकी जमीनों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मिल जाएंगे। इसके साथ ही हरदा जिला देश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला जिला बन जाएगा। हरदा जिला प्रदेश का और देश का पहला जिला होगा जो 28 फरवरी तक 100% किसानों को, गांव वालों को हम आबादी का मालिकाना स्वामित्व योजना दे देंगे। उससे किसान को अगर उसका प्लांट 1 लाख का है और 1 लाख का मकान 2 लाख, तो 2 लाख की जमानत लेने का अधिकारी हो जाएगा। अगर 20 लाख का तो 20 लाख का, और 2 करोड़ का तो 2 करोड़ का। वो पूरे गांव की वैल्यू 500 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ है तो वो 1000 करोड़ की वैल्यू मतलब लोन लेने का पात्र हो जाएगा, लिमिट लेने का पात्र हो जाएगा, जमानत लेने का। अभी तक 1 रुपये का, 1000 करोड़ का गांव की वैल्यू 1 रुपये नहीं थी। अब सही मायने में गांव आजाद हुआ, आज़ादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हरदा जिले में हम अब किसान के बेटा जो बेरोजगार घूम रहा है वो खेती के साथ साथ अब व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और उद्योग भी लगाएगा। और हरदा जिला व्यापार व्यवसाय उद्योग के क्षेत्र में भी नंबर 1 होगा, यह मेरा सपना है, वो हम साकार करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा हरदा में 2 फरवरी से विद्युत मंडल का सर्कल कार्यालय शुरू हो रहा है। हरदा जिला होने के बावजूद यहां बिजली विभाग का सर्कल कार्यालय नहीं था, इससे बिजली का तार टूटा हो या ट्रांसफार्मर जल गया हो उपभोक्ताओं को होशंगाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब हरदा में सर्कल कार्यालय खोलने पर सहमति बन गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।